संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के ज्ञान मार्ग के प्रमुख संत कवि कबीरदास हैं। कबीर ने शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृह से संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, गुरु भक्ति, सत्संग, आत्मबोध, जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही। कबीर के दोहे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख में काहे होए। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख में काहे होए। सब लोग विपत्ति के समय में भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन सुख प्राप्त होने पर भगवान की याद नहीं करते। कबीरदास कहते हैं कि अगर सुख के समय में भी भगवान की याद करते तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि सुख और दुख दोनों भगवान की ही देन है। इन दोनों को हम समान मनोभाव से स्वीकार करें तो हमारा जीवन सुगम होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौगड़ा, ऋतु आए फल होए। माली सींचे सौगड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीरदास का कहना है कि काम धीरे धीरे होता है, इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। उदाहरण देकर कबीर कहते हैं कि माली के सौ गड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी से फल नहीं लग जाते, इसलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। कबीर के दोहे, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा तुम मुझे इतना दो कि जिसमें बस मेरा गुजरा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। धन्यवाद।